नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो है वो जिन स्टूडेंटों को अभी तक स्कूल यहाँ पर जो है वो अलॉट नहीं हुई है उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। क्या हुआ उनके साथ, क्यों नहीं उनको स्कूल अलॉट हुई और होगी तो अब कब होगी, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि जिन स्टूडेंटों को यहाँ पर स्कूल नहीं मिली है उनको कब मिलेगी, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो है वो स्कूल आपको अलॉट नहीं हुआ होगा, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर शो नहीं कर रहा होगा। बट अब आपको देखिए क्या होता है, इस काउंसलिंग में आपको स्कूल अलॉट नहीं हुई है, जो स्कूल आपने फिल किया उन स्कूलों में आपको जो है वो स्कूल नहीं मिली है। बट आपको यहाँ पर यह आ रहा है कि आपको जो स्कूल मिलेगी वो अब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको दोबारा से आपका यहाँ पर स्कूल चॉइस मांगी जाएगी। स्कूल चॉइस आपको दोबारा से यहाँ पर डालना होगा। क्या डालना होगा? स्कूल चॉइस आपको दोबारा से यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद में आपको स्कूल मिलेगी। अब बात आती है कि स्कूल चॉइस हम दोबारा से कब से फिल कर पाएंगे। तो स्कूल चॉइस यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन साइड में मैं लगा दूंगा। जिस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपकी जो है वो आपको अगर जिन स्टूडेंटों को अभी तक स्कूल नहीं मिली है, यानी ये अभी यहाँ पर काउंसलिंग हुई थी उसमें अगर स्कूल नहीं मिली है तो वो स्टूडेंट 26 मार्च तक स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं। दोस्तों क्या हुआ, उनके लिए डेट यहाँ पर डाल दी गई है, नोटिफिकेशन में भी बता दूंगा आपको, लगा दूंगा। 16 मार्च से उनको यहाँ पर स्कूल चॉइस फिल करनी है, 26 मार्च तक स्कूल चॉइस आपको फिल करनी है, 16 से 26 तक, और आपको फिर है वो आपको स्कूल अलॉट हो जाएगी। यानी दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा, अभी शेड्यूल अपडेट नहीं किया है गया है, बट नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया है कि 16 से 26 तक आपको टाइम दिया जाएगा और फिर आपको स्कूल चॉइस अलॉट हो जाएगी। 26 के बाद में जो है वो आपको स्कूल अलॉट हो जाएगी, उसके बाद में आपको जो भी यहाँ पर स्कूल होगी वो अलॉट हो जाएगी। अभी स्कूल चॉइस कौन सी फिल करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों स्कूल चॉइस जो भी फिल करोगे वो आपको एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपको बता दूंगा कौन सी किस तरीके से क्या तरीके से आपको स्कूल चॉइस फिल करना है ताकि आपको स्कूल अलॉट हो जाए। तो फिलहाल तो यही समझना है आपको कि 16 से 26 तक स्कूल चॉइस फिल करना है दोबारा से आपको, और उसके बाद में स्कूल अलॉट हो जाएगी। तो यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। काफ़ी कमेंट कल से आ रहे थे कि सर हमें बताइए, हमें स्कूल नहीं मिली है क्या होगा। तो अभी यहाँ पर सुबह से मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि अभी यहाँ पर लाइट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, लाइट प्रॉब्लम यानी लाइट अभी नहीं आ रही है घर में, तो इस वजह से फिलहाल मैं आपको यही स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही समझा पा रहा हूँ। तो मैंने बता दिया सारी चीज़ें, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। जैसे अपडेट होता है शेड्यूल और जैसे ही आपकी स्कूल चॉइस फिल होती है दोबारा से मैं आपको बता दूंगा और सारी चीज़ें A to Z जानकारी आपको देता रहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में यहीं तक, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।